हौसले और हैरत अंगेज करतबों से भरा रोमांच से भर देने वाली ये तस्वीर है भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान की, जहां पहली बार नेशनल दिव्यांग महिला क्रिकेट और पुरुष व्हीलचेयर टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आपने अभी तक दिव्यांगों को किसी सहारे से चलते देखा होगा, लेकिन ये तस्वीर आपको बता रही होगी कि अपने हौसले और जुनून के बल पर कैसे ये खिलाड़ी क्रिकेट की पिच पर चौका छक्का जमाते नजर आ रहे हैं। उन्हें बैसाखी की मदद से चलना भी आता है और खेलना भी, बस जरूरत है तो उन्हें हौसला और संबल देने की। मैक्सवेल मिलर वगैरह को तो देखा है हमने स्विच हिट लगाते हुए, लेकिन यहाँ पे इनके पास भी वो काबिलियत। उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से पहली बार आयोजित कराए जा रहे महिला दिव्यांगजन क्रिकेट और पुरुष व्हीलचेयर टूर्नामेंट में मेजबान टीमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश की टीमें भाग ले रही हैं, जिससे दिव्यांग महिलाओं को भी क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ाया जा सके। संस्था की अध्यक्ष ने बताया कि ये महिला दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन देश में पहली बार भोपाल में हो रहा है। हमारी कोशिश है कि दिव्यांग हुनरमंद महिला खिलाड़ियों को एक मंच मिले, इसके तहत ये आयोजन कराया जा रहा है। अपनी एक संस्था जो है वह उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी पिछले 18 सालों से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही है। अपनी संस्था ने जितना दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके संयोजक से अपने भारत में जो टीमें हैं उनको इनवाइट किया था। लास्ट ईयर व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट किया था और इस बार व्हीलचेयर के साथ साथ इंडिया में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का भी ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हमारा जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उनके माध्यम से हमने टीमें बुलाई हैं। और कल इनका पहले मैच की शुभारंभ हुआ था, जिसमें कि हमारे राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल आना चाहिए, जो लास्ट ईयर का अनुभव है उससे ही लगता है हमें कि जैसे हमने लास्ट ईयर जो पहली बार भारत अपने एमपी में कराया था, उसके बाद जिन खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया था उनका उस एक साल में जो लेवल जो इंक्रीज़ हुआ है, जो एक उनको आइकन बनाया है या उनको जो मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया गया है या उन्हें मतदान के लिए आइकन दिया, तो कहीं ना कहीं पहचान बनी है और उनका जो पहचान है यही इनकी सबसे बड़ी धरोहर है कि हाँ इनको जानते हैं कि इससे दिव्यांगता के कारण नहीं जानते हैं, इनकी काबिलियत के कारण जानते हैं कि हम कैप्टन हैं या हम इंडिया के लिए खेले हैं या हम मध्य प्रदेश के लिए खेले हैं। एक खिलाड़ी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, सिर्फ दिव्यांगता होने के कारण नहीं, दिव्यांग होने के कारण अपनी पहचान नहीं बनाई है। जी ये जो खिलाड़ी खेल रही है हमारे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सौजन्य से खेल रहे हैं। हमारा बोर्ड जैसे बीसीसीआई नॉर्मल क्रिकेट के लिए काम करता है, वैसे हमारा बोर्ड दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए काम करता है। और इस तरीके के हमारे पास 16 स्टेट की टीम्स हैं, जिसमें व्हीलचेयर की 16 स्टेट की टीम्स खेलती हैं और भी अलग तरीके के क्रिकेट्स हैं। ये सभी जो मेन जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट के द्वारा जारी किए जाते हैं। ICWC के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये टूर्नामेंट्स होते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए खिलाड़ी खेलते हैं। इस विशेष क्रिकेट टूर्नामेंट की खास बात ये भी है कि खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठकर ही न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बॉलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फील्डिंग में जबरदस्त तरीके से खिलाड़ियों ने अपना हुनर भी दिखाया। इस टूर्नामेंट में शामिल हुए खिलाड़ियों ने कहा कि दिव्यांग भी आम लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं, सिर्फ हमें सपोर्ट मिले तो हम किसी से कम नहीं। आज हम यहाँ अपने हौसले के बल पर आए हैं और आगे हम देश के लिए खेलना चाहते हैं। हालांकि खिलाड़ियों ने ट्रेन में सफ़र के दौरान हुई मुश्किलों का भी जिक्र किया और कहा कि दिव्यांगों को रेल यातायात के समय उचित मदद नहीं मिलती। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, इसके पीछे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि पहले मेरे पास खाली दो प्लेयर्स थे, फिर मुझे ढूंढने पड़े, हर एक डिस्ट्रिक्ट से मुझे प्लेयर्स को ढूंढना पड़ा। माशाल्लाह आज मेरी पूरी टीम बन गई। बीइंग ए स्पेशली एबल मुझे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा कि इनके घर वालों को मोटिवेट पहले करना था, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को घर से बाहर नहीं आने देते हैं। पहले मुझे इनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ा कि ये मेरे साथ आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनका फ्यूचर भी इसी में बनेगा। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन का हक है उन्हें वो हक अच्छे से मिलना चाहिए। जैसे ट्रेन का ही ये लीजिए आप, उसके लिए उसमें एक डब्बा दिव्यांगजन का होता है, उसमें नॉर्मल इंसान ऐसे चढ़ते हैं जैसे दिव्यांगजन उसमें है होते ही नहीं है। जैसे उस टाइम हम दिव्यांगजन डब्बे में थे, नॉर्मल इंसानों के साथ हमें स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि हमें डब्बा दो, हमें बैठने को
आराम मिलना चाहिए ना, जो हमें मिला ही नहीं। इतना हमें कुछ सुनना पड़ा उनसे, बहुत कुछ सुनना पड़ा है। बस इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा हक है हमें वो मिलना चाहिए। तो देखा आपने, हौसले और लक्ष्य निर्धारित कर इन दिव्यांग महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने सभी को अपने हुनर से चौंकाया है और ये भी बताया है कि हम दिव्यांग जरूर हैं लेकिन किसी से कम नहीं। जरूरत है ऐसे दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आप और हम सबको मिलकर इनकी मदद करने की। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।